अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हामिद नबीद और आप देख रहे हैं हामिद नबीद मलिक एक्टर एडवाइजर सीरीज़। और एक्टर एडवाइजर सीरीज़ की एक नई एपिसोड है आज, बहुत मज़े की। आज हम बात करेंगे कैमरा फेसिंग के हवाले से, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं एक्टर एडवाइजर सीरीज की तरफ और आज बात करते हैं कैमरा फेसिंग के हवाले से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैमरा फेसिंग के हवाले से, आपने करना क्या है कैमरा फेसिंग के लिए। देखिए, मैं आप मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, एक पेपर लगा हुआ है। इस पेपर के ऊपर यूं मार्कर से मैंने डॉट बनाया हुआ है बड़ा सा। इसका मकसद ये है कि ये पेपर मैं फील कर रहा हूँ या मैं इमेजिन कर रहा हूँ या आप इमेजिन करेंगे कि ये आपका कैमरा है और ये कैमरे का लेंस है और ये आपको मुसलसल देख रहा है। आपने इस तरह से अपने उस रूम में जहाँ पर आपका घर में ज़्यादा वक्त गुजरता है, अपने रूम में, लिविंग रूम में जहाँ आपका वक्त गुजरता है, वहाँ इस तरह के पेपर आपने लगा लेने हैं और उन पेपर्स के ऊपर आपने इस तरह से डॉट बना लेना है। रूम में एक दो जगह पर लगा लें, डिफरेंट जगहों पर, जैसे मैंने एक यहाँ लगाया है और एक मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक मैंने लगाया है इस तरफ, ठीक है, डोर के ऊपर। और ये मेरा जो एरिया है सारा, ये मेरे पास सारा मूव का एरिया है। ये जो जितना भी आपको पीछे सब एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा मेरे पास एरिया है काम करने के लिए, यानी कि दिन भर की जो रूटीन है वो इस एरिया के अंदर होगी। दो डॉट्स हैं, एक ये डॉट लगा दिया गया है और एक मैंने आपको वो सामने दिखाया है, ये डॉट लगा हुआ है। अच्छा, इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि आप जब रूम में सारा दिन गुजार रहे होंगे तो आपने इमेजिन करना है कि ये आपका कैमरा है और जो मुसलसल आपको फोकस कर रहा है, आपको देख रहा है, ठीक है। इससे आपने दिन भर की रूटीन रूम में गुजारनी है। इससे आपकी ये होगा कि कैमरा जब आप उसको फील कर रहे होंगे तो आपकी जो शायनेस होती है कैमरे को लेके, को जो एक शायब होता है कि कैमरे को लेके घबराहट होती है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। जो आपका जो फोकस का होगा क्या है कि मैं कैमरे के आगे जाऊँगा तो मैं किस तरह से कैमरे को फोकस करूँगा, तो वो एक नर्वसपन और जो एक वो जो होता है आपका शायद वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और आपको कैमरा फेस करने की आदत पड़ती चली जाएगी। आप अपने इस तरह रूम में दो जगहों पे लगा लें और दिन भर जो भी आपने काम करना है इस तरह से आप काम करते रहें, अपना रूटीन करें और आपका जहन में ये रहे कि यार ये कैमरे के जो डॉट्स, ये कैमरा जो है ये मुझे फोकस कर रहा है और ये कैमरा जो है वो मुझे फोकस कर रहा है। इस तरह आप सारा दिन गुजारें, एक दिन, दो दिन, तीन दिन की इस तरह प्रैक्टिस करें। जब आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसके अलावा एक और बहुत मज़े की एक्सरसाइज होती है, आजकल स्मार्टफोन का दौर है, सबके पास स्मार्टफोन्स होते हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने जो है अपने मोबाइल से, आप उसको मोबाइल को लगाकर उसकी जो वीडियो कैमरा ऑन कर लें, उसके आगे खड़े होकर डिफरेंट आप उसके अंदर बात करें, कैमरे से बात करें, उससे अपने दिन भर की जो स्टोरी है उस कैमरे को सुनाएं, उसको बताएं और जो आपके साथ हुआ दिन भर में, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उससे डिस्कस करें। तो उससे ये होगा कि कैमरे के अंदर देखने का, कैमरे से बात करने की आपको प्रैक्टिस होती चली जाएगी और आपको कैमरे से जो घबराहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की भी जो है वो पसंद आ गई होगी वीडियो और आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कर दें कि कैसा लगा आपको आज की टेक्निक, बहुत मज़े की टेक्निक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मुझे दें इजाज़त एक नई वीडियो के साथ एक्टर एडवाइजर सीरीज़ में हाजिर होंगे। और ये चैनल है हामिद नबीद मलिक। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।